Hi friends, how are you all? Hope you all are doing well. So let's just start with our today's vocabulary practice. So the first word is quest. Now quest means search for something. अगर आप किसी चीज को ढूंढ रहे हो तो उसको हम लोग बोलेंगे quest, ठीक है? Next is inexorable. That means impossible to stop or prevent. मतलब किसी को रोक रहे हो, इम्पॉसिबल टू स्टॉप और प्रिवेंट. कोई काम करने से रोकना इम्पॉसिबल है. मतलब कि अगर आपने ठान ली कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करनी ही करनी है, देन इम्पॉसिबल टू स्टॉप, आपको रोकना तो मतलब दूर की बात है. देन नेक्स्ट इज प्लेंटी. प्लेंटी मीन्स अ लार्ज और सफिशियंट अमाउंट और क्वान्टिटी, मोर देन इनफ. इफ आई से आई हैड प्लेंटी ऑफ पिज्ज़ा टुडे, दैट मीन्स कि मैंने बहुत सफिशियंट, बहुत खा लिया, मतलब मोर देन इनफ. अब आराम से अगर मैं 5-6 दिन नहीं खाती या फिर एक हफ्ता नहीं खाती, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी. मतलब वो एक टेस्ट का होता है ना. सो इन दैट वे अगर आप बोल रहे हो कि वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर इन आर कंटेनर, सो सफिशियंट अमाउंट जो होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्लेंटी. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज ओबे. Obey means behave in accordance with. अगर simple language में बताऊँ तो आज्ञा का पालन करना. अगर आपका आपके कोई सर है, आपके कोई मैम है, या फिर आपके पेरेंट्स अगर बात करें, तो वो जो आपको बोलते हैं, अगर आप उनकी चीज़ों को समझते हो, उनकी चीज़ों पे काम करते हो, then you obey them, ठीक है? उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हो. नेक्स्ट फाइल से नेक्स्ट इज एम्बिशियस. एम्बिशियस मीन्स हैविंग अ पावरफुल डिजायर फॉर सक्सेस और अचीवमेंट. नाउ दिस वर्ड वी हैव हर्ड सो मेनी टाइम्स, बट द प्रोनाउंसिएशन इज एम्बिशियन. दैट मीन्स इफ यू कैन सी द स्पेलिंग, इट इज AMBITIOUS. ओके, सो समटाइम्स वी नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड बट वी डोंट नो वेदर दिस इज द वर्ड राइट. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हैविंग पावरफुल डिज़ायर फॉर सक्सेस. सक्सेस के लिए एक पावरफुल डिज़ायर होना कि मतलब मेरे को DYSO बनना तो बनना ही है, मेरे को RRB ग्रुप डी क्रैक करनी तो करनी ही है, ठीक है? उस टाइप से. नेक्स्ट इज मलिंगर. दैट मीन्स अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. जो भी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ड्यूटीज़ है, उसको आप अवॉइड कर रहे हो या फिर कर नहीं रहे हो. कोई ना कोई बहाना, मान लो आपके मम्मी ने बोल दिया कि बेटा ये ला दे, तो आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं अभी मेरे पास टाइम नहीं, अभी मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, ठीक है? तो दैट इज़ वॉट मलिंगर इज. अल्टीवेट. अल्टीवेट मीन्स प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फॉर्म पेन. पेन के मतलब फिजिकल एक रिलीफ करना. आप अगर कोई दवाई ले रहे हो या फिर कोई मसाज करवा रहे हो, ठीक है, तो उसमें हम लोग बोल सकते हैं अल्टीमेट. नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजिंग. दैट मीन्स थ्रिलिंग. एक एक्साइटमेंट होता है, एक थ्रिलिंग होता है, एक जुनून होता है, ठीक है? नेक्स्ट इज स्टीमिंग. स्टीमी मीन्स स्टॉप फ्रॉम डूइंग समथिंग. आप बोल सकते हो कि ऑब्स्टिकल, किसी को रोकना. अगर आप एग्ज़ाम अच्छा कर रहे हो, एग्ज़ाम के लिए अच्छा कर रहे हो, तो आपके जो जो आपके क्या बोल सकते हैं, दुश्मन तो नहीं बोल सकते, बट आपको जो चाहते नहीं, आपको जो पसंद नहीं करते, या फिर ऐसा है कि आप क्रैक ना करो, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग ट्राई करेंगे कि आपको स्टॉप करें, बट आपको स्टॉप नहीं करना है, ठीक है? नेक्स्ट इज क्लैमी. क्लैमी मीन्स अनप्लीजेंटली डम एंड स्टिकी. दैट मीन्स अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो कीचड़, ठीक है, या फिर जो बोलते हैं ना कि मिट्टी, पानी वाली मिट्टी, या फिर ऐसा कुछ कि जो स्टिकी है. सो दीज आर आर वर्ड्स ऑफ टुडेज सेशन. सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय बाय, टेक केयर.